बरेली में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां एक बीए की छात्रा का अपहरण कर उसका जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया। 5 अगस्त से छात्रा लापता है और पुलिस अभी तक उसका सुराग नहीं लगा सकी है। वहीं अब छात्रा के परिजनों पर भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा है। मेरा नाम मानसी रस्तोगी उर्फ मरियम कुरैशी है। मैं इस्लाम धर्म में शुरू से ही इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैंने इस्लाम धर्म में जाके फिर मैंने मुस्लिम लड़के से शादी की। मेरे शौहर का नाम अकलीम कुरैशी है और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। मेरे ऊपर कोई किसी तरह का जोर जबरिया दबाव कुछ नहीं है, ना मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ, इसलिए मैंने अपने मन से शादी की। और लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि मुझे टॉर्चर करके, मुझे किडनैप करके इन्होंने शादी की है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने मन से आई हूँ और मेरे ससुराल वालों को बहुत परेशान किया जा रहा है, धमकियाँ भेजी जा रही हैं, गुंडे मवाली भेजे जा रहे हैं, RSS नेता, BJP नेता ये अफवाह फैला रहे हैं कि किडनैप, और न्यूज़पेपर में निकलवा रहे हैं, अलग अलग तरीके की न्यूज़ें निकलवा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से। मैं अपने मन से आई हूँ, मुझे किसी तरह का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है। SP साहब, SPM, अदर लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगी क्यों मुझे परेशान ना किया जाए, मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए। मैं अपने मन से आई हूँ, मेरे माँ बाप के द्वारा कोई भी रिपोर्ट ना लिखवाई जाए। SSP ऑफिस में रो रो कर मीडिया को आप बीती बताते ये वही बुजुर्ग माँ बाप हैं जिनकी बेटी को मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग अपहरण करके ले गए। छात्रा के माता पिता का आरोप है कि उनकी बेटी 5 अगस्त को कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई थी और वहीं से कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद एक रजिस्ट्री आई जिसमें बताया गया कि तुम्हारी लड़की का दरगाह आला हजरत पर धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है। छात्रा के माता पिता का ये भी आरोप है कि आरोपी युवक के मिलने वालों ने उन्हें भी धमकी दी है कि अब तुम लोग भी इस्लाम कबूल कर लो। जिला बरेली का रहने वाला हूँ। मेरी लड़की मार्केट में साई में सौदा लेने गई थी, वहीं से अगवा करके ले गए हैं मुसलमान लोग और धर्म परिवर्तन करा दिया और FIR 5 तारीख को पुलिस ने नहीं लिखी, 6 तारीख को मुकदमा कायम हुआ है मेरा। फिर बताया गया है कि लड़की का धर्म परिवर्तन हो गया है, उसने CB गंज डाकखाने से रजिस्ट्री भेजी है थाने के लिए, हम लोगों को नहीं भेजी है, और कि हमने जब उसका धर्म परिवर्तन करा लिया, हमने इससे आला हजरत से निकाह कर लिया है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 6 तारीख को मैंने मुकदमा लिखवाया था और अभी तक मेरी बेटी नहीं मिली है। और मुझे और वहाँ का जो चेयरमैन है नाम, ठीक है और क्या हुआ, उनके जान का खतरा क्या है? तो उन्होंने धमकी दी है अपने घर पे बुलाकर कि या तो आप यहाँ से पलायन कर जाओ और नहीं तो तुम भी धर्म परिवर्तन तुम्हारा भी कराया जाएगा, नहीं तो नहीं करोगी तो तुम्हारे बच्चों सहित परिवार को जला कर मार देंगे। वहीं इस मामले में शाही थाने में धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। SP ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि छात्रा की बरामदगी के लिए कई टीमें प्रयासरत है और जल्द ही छात्रा का पता लगा लिया जाएगा। थाना शाही में श्री आत्मानंद रस्तोगी जी ने अपनी पुत्री को कस्बे के ही 2 लोगों द्वारा अपहरण करने के संदर्भ में और एक अन्य अज्ञात के संदर्भ में थाना शाही पर 366, 354 व धर्म परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया है। इस संदर्भ में जो है एक पत्र भी हम लोगों को जरिए डाक प्राप्त हुआ है और उस पत्र से भी उनके परिवार वाले भी रूबरू हैं। अपहर्ता की बरामदगी के लिए हम लोगों ने 3 टीमें लगाई हैं, सर्विलांस टीम का भी हम लोग पूरा उपयोग कर रहे हैं, कुछ लोकेशंस भी हम लोग ट्रेस किए हैं, उन लोकेशंस पे भी हमारी टीमें गई हैं और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।